हेलो दोस्तों, आपका एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एमके स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इन पिछली क्लासों की प्लेलिस्ट भी एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। आप इन क्लासों को देखकर अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकें। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय का है, जो आरपीएससी के द्वारा 2 अगस्त 2020 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 00 है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पूंगल या पूगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में या अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर? ऑप्शन ए, बीकानेर जिले में पूंगल के चारों ओर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां, बनास की सहायक नदी कोठारी, माही की सहायक नदी सागी, चंबल की सहायक नदी पार्वती या लूनी की सहायक नदी सुकड़ी? ऑप्शन दो, माही की सहायक नदी सागी। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उपआर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी मैदान या बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान? ऑप्शन ए, उपआर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? इन सेप्टी सोल्स, बर्टी सोल्स, अल्पी सोल्स या एंटी सोल्स? ऑप्शन एक, इन सेप्टी सोल्स। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या खुला वन? ऑप्शन दो, संरक्षित वन। 2021 की वन स्थिति के अनुसार भी सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो संरक्षित वन क्षेत्र में ही आता है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है उदयपुर, सीकर, अलवर या पाली? ऑप्शन चार, पाली।
राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? 2009-10, 2002-3, 2011-12 या 2013-14? ऑप्शन दो, 2002-3। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI अवस्थित है जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या जालौर में? ऑप्शन दो, जोधपुर। बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, पाली या जोधपुर? ऑप्शन तीन, पाली। निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती या रागड़ी? ऑप्शन चार, रागड़ी। कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था? आशाधर, विश्वरूप, भंड या पृथ्वीवट? ऑप्शन चार, पृथ्वीवट। सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजस्थानी पदम साहित्य का प्रकार है, दूसरी तरफ काव्य रचना। नृत्य संगीत मूलक काव्य, चरचरी, चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल, मंगल मूलक काव्य धवल और प्रेम मूलक काव्य बीसल देवरासो। ऑप्शन एक, सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ एकेडमी या संस्था दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके केंद्र। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। ऑप्शन दो, सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अवतार। कल्ला जी भूत प्रेत के, गोगा जी सर्प,
करणी माता, चूहा, बाबू जी, ऊंट। ऑप्शन चार, बैंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? हरबू जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी या देवनारायण जी? ऑप्शन एक, हरबू जी। राय नृत्य संबंधित है जसनाती, भील, गुजर या माली? ऑप्शन दो, भील। बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबद्ध हैं? तत वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र? ऑप्शन दो, सुषिर वाद्य यंत्र। घुंघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? ऑप्शन तीन, मरुस्थलीय क्षेत्र। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिलानी, बीनमाल, झालरापाटन या नागदा? ऑप्शन तीन, झालरापाटन। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर, अलवर, बयाना दुर्ग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या जयगढ़ दुर्ग, आमेर? ऑप्शन दो, बयाना दुर्ग, भरतपुर। दुतई, गदर, कानो और मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी या ओढ़नी? ऑप्शन तीन, अंगरखी। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैया लाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजय दान देता? ऑप्शन एक, कन्हैया लाल सेठिया। सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उत्सव दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थान। महावीर जी में लठ मारोली, विनय में कोड़े मारोली, सांगोद में नाहड़ की होली और बाड़मेर में पत्थर मारोली।
ऑप्शन चार, सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ एकेडमी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष राजस्थान साहित्य एकेडमी 1958, राजस्थान उर्दू एकेडमी 1979, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1969 और अरबी फारसी शोध संस्थान 1978। ऑप्शन दो, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? नागौर, बीकानेर, सिरोही या झालावाड़? ऑप्शन एक, नागौर। सालर के वन वितरित हैं? ऑप्शन चार, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 2005, 2008, 2010 या 2012? ऑप्शन तीन, 2010। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण या भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन? ऑप्शन दो, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण। लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है? बांगर प्रदेश, गोडवार प्रदेश, गग्गर का मैदान या छप्पन का मैदान? ऑप्शन दो, गोडवार प्रदेश। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन तीन, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। ये अरावली के शिखर हैं जिन्हें अवरोही क्रम में सजाया गया है।